एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग घर को निकल रहे हैं क्योंकि हमें दिवाली की छुट्टियां हो रही है। साढ़े पाँच और हमारी बस है कितने बजे? अभी गया पौने छः बजे, क्योंकि आगे से जो है वो रोड टूटा हुआ है, तो यहाँ से हमें एक बस लेके जाएगी और वहाँ छोड़ेगी, फिर आगे से हमें दूसरी बस मिलेगी शिमला के लिए, हम उसमें जाएंगे। पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोग हे गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गई और मुझे रास्ते में बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं लगा ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि हम रात को बड़ा लेट सोए थे, एक बजे और सुबह चार बजे उठ गए थे। उससे मैं पूरी बस में सोई हुई आई और अभी जस्ट पहुंची हूँ, और अभी जो है वो शाम के 6:30 बज रहे हैं। सुबह भी हम इसी टाइम चले थे वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने रात को ही गर्म कपड़े निकाले थे कि वहाँ पे ठंड हो गई है, तो सुबह जब मैंने ये कपड़े पहने तो मुझे इनमें भी ठंड लग रही थी, लेकिन जब शिमला से आगे आए और अपने इधर पहुँचे तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, अब तो मैंने फ़ैन चला दिया सीधी आते हुए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मुझे नहीं लग रही है अभी तक तो। सो इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया बाहर और मम्मी अब तक घर नहीं आए हैं, यहाँ पे लॉक वगैरह लगा हुआ था, तो अभी आएंगे थोड़ी देर में, काम करने होंगे अपने डंगरों के पास। मैं खा रही हूँ अमरूद, मैंने अमरूद और खीरा कट किया और अपने रूम ले आई क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मम्मी ने खाना खा लिया और मम्मी सो भी गए क्योंकि मम्मी थक गए हैं, काम किया है पूरा दिन, तो मम्मी जल्दी सो गए और मैं अपने रूम में खा रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं नींद में हूँ, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं फिर से सो जाऊँ, मुझे भाई ने ना ज़बरदस्ती उठा दिया और मैं चाय अपने रूम में ले आई, किचन में गई थी, लेकिन मेरी वहाँ पे बैठने की हिम्मत नहीं हुई तो मैं किचन मतलब अपने रूम में ही आ गई। अभी नींद में हूँ। घर की जो है वो बहुत बुरी हालत हो रखी है क्योंकि सारे घर में मक्की, और मैं लेके जा रही हूँ चाची के लिए दूध, इधर भी मक्की पड़ी हुई है। वो बैठे हैं चाची, एक तो दरवाजा नहीं खुल रहा है, गिर गया, इनके भी धान पड़े होंगे। सो रखते हैं यहाँ पे दूध, इसको ढकने के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं थाली से ढक देती हूँ क्योंकि चाची जो काम कर रहे हैं बाहर। रखते हैं, मैं थाली वन ढकी थी अगर नहीं। मम्मी जो है वो यहाँ पे काम कर रहे थे लेकिन वो भी यहाँ से चले गए। और मैं मिलाती हूँ आपको अपनी दादी से, ये है मेरी दादी जी। दादी नमस्ते कर दो। नमस्ते बच्चा, नमस्ते। जब छानी नहीं होती है ये क्या? मैं दादी को जो है वो पता नहीं लगता है कि हाँ वो थोड़े बीमार रहते हैं,
बैठी रही बैठी जाए लग रहे जागी है ना तो यो पता नहीं लगता है बैठ जाए थे वो सभी बाहर आ गए सदाती ने भी चाय पी ली अब वो जा रहे हैं बाहर बाहर बैठेंगे बरामदे में दादी जो है वो नीचे रहते हैं क्योंकि दादी से मतलब ऐसे चला नहीं जाता खड़ा नहीं हुआ जाता है तो वो दादी बैठे रहते हैं मतलब बैठ के ही चलते हैं तो मैं आ गई किचन में भाभी बना रहे इधर परांठे यहाँ पे धुआं धुआं हो रखा है और ये रखा था घी पर मुझे लगता है ज़्यादा एक्स्ट्रा ही पक गया नहीं नहीं ठीक है घी बनाने के लिए रखा हुआ था ये रखा हुआ था बनाने के लिए लेकिन ऑलमोस्ट हो गया तो हम इसको उठा देंगे वो भी नीचे गया दीदी यहीं पे सो कल जो है मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की मैं परसों की आई थी और मैंने कल पूरा दिन जो है घर का काम किया क्योंकि यहाँ पे जो है कपड़े इतने ज़्यादा थे धोने को क्योंकि मम्मी इतने दिन से काम कर रहे हैं घास का काम अलग से पड़ा हुआ है फिर मक्की का काम अलग से पड़ा हुआ है और मम्मी थे भी अकेले क्योंकि घर पर कोई और कोई भी नहीं था दादी और मम्मी थे तो दादी तो मतलब ऐसे थोड़े बीमार रहते हैं और मम्मी थी तो मम्मी के पास फिर गाय भैंस भी है उनका काम भी करना पड़ता है फिर घास काट रहे हैं आजकल लोग जो कि हम स्टोर करके रखते हैं वो अलग से था सो भाई और भाभी जो हैं वो कल के घर आए हुए हैं तो उन्होंने ये गुगलू के लिए लाया है और ये कन्नू के लिए लाया है कन्नू का चलो ठीक है वो बड़ी हो गई है मेरे को लग रहा है कि आ जाएगा ये कुर्ते हैं और ये शरारा टाइप है और गुल्लू के लिए भी है ये कन्नू के लिए एक और उठा के लाए हैं ये वाला के लिए जयपुर से कन्नू बढ़िया तो सही है और ये कपड़े भाभी की भाई की बेटी के लिए लाए वो छोटी है अभी तो उसके लिए लाए हैं तू क्या कर रही ड्रम जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो गया है और अभी बाहर और दाने बच रहे हैं तो उनको देखते हैं कि कहाँ डालने हैं हम लोगों ने जो है वो काम ख़त्म कर लिया मक्की का थोड़ा बहुत बचती है अभी और मक्की वो पता नहीं कब करनी होगी और अब हम लोग नहा के खाना वगैरह खा के अपने अपने रूम में आ गए और अब सोने की तैयारी है मैंने तो पूरी कर्टन वगैरह लगा दिए अब मैं सो जाऊँगी आराम से हेलो हरा यार तो ठीक कर रहा क्या
देखो ककड़ी ढूंढी हुई है जो मेरे पास कैच फेंक रहे हैं, वो मैंने कैच की है और मैं अभी उसको डल में डालने जा रहा हूँ। तो हम लोग खेत आ गए और अब हमने अदरक निकालना है। पहले मैं अमरूद खा रही हूँ, मैंने अमरूद चुराए। अरे बोल दो तुम ही जाऊँ पे डंगर में इन्हें हम दो। अरे चुप हो यार। सॉरी अब तो यही थोड़ा सा ही लगाया हम लोगों ने अदरक, कुछ जो है वो ये लोग कल का ले गए यहाँ से निकाल के और थोड़ा सा बचता है अब। और तब तक फिर मैं काट लेती हूँ घास। मम्मी मम्मी ये वो के तक हां तो कोई सुधी हले ये बताइए तो दूध दो ये बताइए खरा दीत्या